और कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया था, और आज एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर करंट के और भी कंसेप्ट देखने हैं तो आप पुराने वीडियो में अगर ढूंढेंगे 2023 में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ बात करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट की। और मैग्नेटिक इफेक्ट के दो वीडियोस आएंगे, ये मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे रहा हूँ, और एक एनिमेशन के थ्रू भी आपको मैं। तो सबसे पहली बात तो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की चर्चा आज होगी, और हमें पता है कि करंट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, एंड द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक बात समझने की है कि जब तक किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट पास होता है, तब तक उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये जो मैग्नेटिज्म है वो यूं कह सकते हैं कि टेम्पररी होता है। आप जैसे ही इलेक्ट्रिक को स्विच ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करेंगे, वैसे ही फिर उस वायर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाए। अक्सर देखो अलग अलग वोल्ट ट्रांसफर होता है वायर से, और आप देखेंगे कि कभी देखा आप लोगों ने कि जो 32,000 वोल्ट का वायर जब सप्लाई होता है, 32,000 वोल्ट जिस वायर में सप्लाई होते हैं, खेत वगैरह में से गुजारे जाते हैं, यानी सुनसान जगहों से गुजारे जाते हैं, और सुनसान जगह से वो वायर इसलिए आते हैं। सोचो अपने घर में जो वायरिंग है वो 220 वोल्ट की है, 220 वोल्ट की लिखा होता है ना इक्विपमेंट पे भी, 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट की वायरिंग है, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, 32,000 वोल्ट की बात कर। जब वो जहां से जनरेट होता है, वो एनटीपीसी से हो या जहां से भी जनरेट हो रहा है, वहां से जो वो पावर हाउस तक आता है तो वो 32,000 वोल्ट के रेंज में आता है। और ऐसे वायर हमारे घर के छत के ऊपर से नहीं गुजारे जाते, पता है क्यों? आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, मैंने फील किया है, और बहुत ही गजब हमिंग साउंड उस वायर से निकलते होती है, और अगर उसके नीचे खड़े हो जाएं तो कई बार तो वो आराम से आपको पिक करके खींच लेगा अपनी तरफ। क्यों खींच लेगा? इसका मतलब क्या है उसमें? मैग्नेटिक फील्ड है ना? ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकली एक बात बताई है, लेकिन अब आप अपने डायग्राम में देखिए, एक बैटरी लगा हुआ है और बैटरी के साथ एक ये कॉपर वायर है, और ये आयरन नेल पे, आयरन की कील के ऊपर लपेटी, आप देख रहे हैं बैटरी में निगेटिव पॉजिटिव के साथ ये ज्वाइन भी हो गया। ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये साफ साफ लिखा है इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसका मतलब कि कॉपर वायर के ऊपर जैसे कवरिंग होती है वायरिंग की, वैसे कवर्ड है। और फिर आप देख रहे हो इस नेल को, जब छोटे छोटे टिन्नी आयरन नेल्स के पास, छोटे छोटे आयरन नेल्स के पास लाया गया, क्या किया उसको? अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और जैसे ही आप इस बैटरी से कनेक्शन हटाएंगे ना, तो वापस ये कील अपने पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर वापस खत्म हो जाएगी। क्लियर है सबको?
ये एक एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट बनता है। देन मैग्नेट किसे कहते हैं, तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन स्टील निकल एंड कोबाल्ट, इन सबको जो अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। क्लियर। अब यहीं पे एक आप देख रहे हो कि बार मैग्नेट दिखा रखा है, बार मैग्नेट जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर है ना, इसमें एक साइड में एन लिखा हुआ है, दूसरी साइड में एस, नॉर्थ और साउथ। तो ए बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन स्टील निकल एंड कॉपर। क्लियर। आगे और बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब सिंपल मैग्नेट की बात, अभी इलेक्ट्रिसिटी को आप दिमाग से निकाल दें, आप किसी मैग्नेट को सोचें, किसी मैग्नेट के पास जब आप कोई आयरन नेल जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है जब आप लेके आते हैं तो एक कोई डिफिनिट डिस्टेंस होता है ना जहां से वो मैग्नेट उसको खींच लेता है अपनी तरफ, और उस डिस्टेंस के बाद अगर आप रखते हैं तो वहां से वो नहीं खींच पाता होता है। तो एक खास डिस्टेंस जहां तक किसी मैग्नेट की पावर काम करती हो, एक खास डिस्टेंस जहां तक किसी मैग्नेट का पावर काम करता हो, उन सारे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बिल्कुल। मैग्नेट का इफेक्ट जहां तक भी होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कोई भारी भरकम मैग्नेट है तो उसका इफेक्ट दूर तक होगा, ज्यादा होगा, कोई छोटा मैग्नेट है तो उसका इफेक्ट कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका छोटा होगा। सो अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एकदम ध्यान से समझते जाइए, और इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं डायग्राम पे। फिगर नंबर 5 करके दिख रहा है आपको, एक ये एक्सपेरिमेंट किया गया है जहां पे कि एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट क्या है, और ये एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, छोटे छोटे जो आयरन नेल हैं उनको यूं ही स्प्रेड कर दिया गया, जैसे कबूतर को दाना खिलाते हैं ना वैसे स्प्रेड कर दिया गया छोटे छोटे नेल। आप देखेंगे कि अपने आप ये सारे छोटे छोटे जो कील हैं आयरन के वो एकदम ऐसे स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएंगे, ज्वाइन हो जाए। क्लियर है। अब यहां पे आपको समझना है, ये दोनों जो फिगर नंबर 4 और 5 है वही चीज दिखा रखा है, स्प्रिंकलर है जिससे कि स्प्रिंग यानी कि छींटते हैं हम आयरन नेल को, है ना। तो अब आप देखेंगे नीचे एक और डायग्राम, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उसको मैं पहले क्लियर करते जाता हूं। ये कंपास, फिगर नंबर 6 दिख रहे। अब कंपास जो है बड़ा काम का, मोबाइल में भी कंपास होता है, देखा आप लोगों ने, नेविगेटर होता है उसमें, और कंपास पता है कहाँ काम आता है, धरती पे तो भाई काम नहीं आता, धरती पे तो आप पड़ोस से पूछ लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बगल वाले से पूछ लो, भाई साहब नॉर्थ किधर है साउथ किधर है बता देगा, है ना। लेकिन सोचो, अब एज्यूम करो कि आप समुद्र में जा रहे हो, समुद्र में जा रहे हो, बड़े बड़े शिप वगैरह लेके जाते हैं, नाव शिप सब जाते हैं। अब समुद्र में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नॉर्थ किधर और साउथ किधर, जहां देखो जल ही जल, गिन लो भैया किधर, जब तक सूर्य भगवान नहीं उगेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा।
तो उस कंडीशन में हमें कंपास की जरूरत पड़ती है। कंपास हमें बताता है कि नॉर्थ किधर को, और आप उसे रख देते हैं तो वो अपने आप अलाइन हो जाएगा, नॉर्थ बता देगा। और तो ए कंपास कंसिस्ट ऑफ अ टिनी पायवोटेड मैग्नेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंटर विच कैन टर्न फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जिधर को इसे टर्न होना है, इसका जो कंपास, इसके ऊपर जो सुई रहता है वो टर्न होने के लिए फ्री होता है, एक कील से नीचे जुड़ा हुआ होता है और आराम से वो चारों तरफ घूम सकता है। अब अगले डायग्राम की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जिस कील की बात मैं कर अभी बता रहा था फिगर नंबर 5 में, अब मैं फिगर नंबर 7 की बात कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, जो कील का अलाइनमेंट है आप देख रहे हैं, बी सी डी ई, ए बी सी डी करके और के एल तक दिखा रखा है ना। यानी अलाइनमेंट कहां से शुरू हो रहा है, कौन से पोल से? नॉर्थ पोल से, एन नहीं लिखा हुआ, यानी नॉर्थ पोल से अलाइनमेंट हो रहा है, कंपास प्लॉट हो रहा है और किधर को जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से क्रिएट होती है, नॉर्थ से, और जाती किधर को है। एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, पिछले डायग्राम की बात मैं थोड़ी सी कर दूंगा। ये जो आप देख रहे हो इस कंपास में, फिगर नंबर 6 में, जहां पे कंपास के आगे पीछे एन और एस लिखा हुआ है, नॉर्थ और साउथ लिखा, यू नो, देखो ये कंपास का नॉर्थ और साउथ है, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। लेकिन आपको मालूम है ना कि जब हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं तो मैग्नेट के लाइक पोल, एक जैसे पोल, दो मैग्नेट ले लो आप, नॉर्थ साउथ दोनों में होंगे। अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाओगे तो वो चिपकेगा नहीं, दूर भागेगा, और नॉर्थ साउथ को लाओगे तो, यानी जो एक जैसे पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अलग अलग पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि ये जो एन पार्ट, मैग्नेटिक एन जो आप देख रहे हो, जिस साइड में ये अलाइन होगा, समझ लेना कि उस साइड में जियोग्राफिकल साउथ है। ध्यान से समझना इस लाइन को मैं क्या बोल रहा हूं। जिधर को पॉइंटर का, कंपास का एन दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा, उधर जियोग्राफिकल क्या होता है, साउथ होता है, यानी अर्थ का साउथ पोल होता है। समझ रहे हो बात भाई? अर्थ भी तो मैग्नेट है ना, पढ़ा है आपने बचपन में ही, अर्थ इज अ मैग्नेट। तो अर्थ में भी साउथ और नॉर्थ है, दो पोल हैं। तो जब नॉर्थ लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जबरिफल किधर की तरफ अलाइन है, साउथ की, और जहां एस लिखा है वो किधर अलाइन है। अब यहां से थोड़ा आगे और बढ़ता हूं मैं, और एक और डायग्राम फिगर नंबर 8 पे हम आते हैं। यहां लिखा है फिगर के बगल में कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड इंटर द साउथ। अभी अभी बताया ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से निकलती है, नॉर्थ से, और जाती कहां तक है, साउथ। और ये लाइंस है, और बड़ी मजेदार लाइंस है, कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, कितना भी ये बन जाए, 2, 4, 10, 50 हजार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं। पूछा जाता है कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताओ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताया कि इट अराइजेज फ्रॉम एंड गोज टू साउथ। एंड अनदर प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और तीसरी प्रॉपर्टी भी बता,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे आपको घना नजर आए ना, जहां पे मतलब ढेर सा एक एक दूसरे के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आए, समझ लेना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। और जहां पे दूर दूर नजर आए, रेयरर नजर आए, वहां समझ लो कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो इंडिकेट डेंसर और रेयरर मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? या स्ट्रेंथ कर सकते हो, लिखा है यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। कितना उन फील्ड लाइन के बीच में क्लोजनेस है, कितना नजदीक है, कितना घना है, कितने चिपके चिपके से हैं। जहां वो ज्यादा घने रहेंगे इसका मतलब कि वो ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जहां दूर दूर है तो वहां स्ट्रेंथ उसकी कम है। क्लियर है बेटा? अब यहां से हम और आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्रॉपर्टीज भी नीचे लिखा हुआ है, जो मैंने बोला है वो तीन लिखे हुए यहाँ पे। और अब आ जाते हैं अगले कंसेप्ट पे, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहां भी एक एक्सपेरिमेंट है साहब, देखिए नीचे डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक्सपेरिमेंट है। क्या किया गया है? एक तो आप देख ही रहे हो कि सर्किट बनाया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। उसके बगल में एक कंपास रख दिया गया है जिसमें नॉर्थ साउथ है ना। आप ये भी देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक जगह पॉजिटिव लिखा है, दूसरी जगह नेगेटिव लिखा है। क्लियर? अब एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से यानी पॉजिटिव बड़े वाला है, वैसे लिखा हुआ भी है, इसमें कहीं लिखा हुआ ना भी रहे ना, तो जहां पे बड़ी लाइन बनी हुई है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जहां छोटी लाइन बनी हुई है वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला। अब ये जो उसके ठीक अपोजिट में आप लाइन देख रहे हैं जहां पे नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है, तो जब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है ना, तो इस वायर को सबसे पहले नॉर्थ बना देते हैं। क्या? यानी मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये कौन सा पार्ट है? नॉर्थ। और दूसरी साइड में क्या बना देंगी? साउथ। अब मैं थोड़ा इसको और क्लेरिफाई आपको करता हूं, सुनना ध्यान से। अगर ठीक उल्टा होता, निगेटिव ऊपर होता, पॉजिटिव नीचे होता, निगेटिव ऊपर होता और पॉजिटिव नीचे होता, समझ रहे हो बात को? सर्किट में तो पॉजिटिव फिर नीचे की साइड में आ गया, यानी साउथ की जगह क्या बनता? नॉर्थ। और नॉर्थ की जगह क्या बनता? साउथ। यानी करंट जहां सबसे पहले वायर से मिलता है उसको नॉर्थ बना देता है, और फिर दूसरे छोर को क्या बना देता है? साउथ। अब ये मैंने कैसे कहा, जरा इसकी बात भी करते हैं। इसी के लिए एक्सपेरिमेंट है, और बगल में कंपास है। आप जो फर्स्ट ए पार्ट देख रहे हो, डायग्राम जो ए का देख रहे हो, इसमें ये स्विच जो है ओपन है, इसका मतलब करंट इसमें फ्लो। बी पार्ट में देखो स्विच क्लोज हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और कंपास कैसे हो गया? कंपास थोड़ा अपना मोड़ फेर लिया, हेर लिया ना। नॉर्थ वाला जो है वो भाग गया, पॉइंटर उसका भाग गया। तो कब भागता है भाई? जब यूं खड़ा था साथ में, यूं भाग गया। तो क्यों क्यों भागा? क्योंकि उसको अपना यार मिल गया, यहाँ पे नॉर्थ मिल गया, तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हुआ और वो भाग गया। इसीलिए हम कहते हैं कि वहां पे कौन सा छोर बन जाता है? नॉर्थ। मेरी बात अब क्लियरिफाई हो गई, कोई डाउट नहीं।
अब यहां से आगे चलते हैं और बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट से। तीन बातें हैं, वैसे इसको हम एक्सप्लेनेशन से अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन यहां पे छोटी छोटी बातें हम समझते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो, सीधा कंडक्टर कोई हो, वायर हो, लोहे की रॉड हो, स्टील, तो उसमें कहां नॉर्थ और कहां साउथ बनेगा? तो सीधी सीधी बात है, हमने पढ़ा है ना, रूल को पढ़ा है, और रूल सीधा सीधा कहता है क्या, देखो यहां लिखा हुआ भी है, इस रूल को थोड़ा सा आगे लिखा होगा, यहां पे नहीं है ये, भाई रूल कहाँ है, राइट हैंड थम रूल, राइट हैंड थम रूल है, हाँ ये देखो आ गया, इसके नीचे लिखा है ये। अब राइट हैंड थम रूल क्या कह रहा है कि इमेजिन दैट यू आर ग्रेस्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट। मान लिया कि राइट हैंड में आपने कोई कंडक्टर पकड़ रखा, ये देखो यू कंडक्टर पकड़ लिया है ना, तो अब कंडक्टर में करंट किधर से जा रहा है ये आप देखो, हम यहां पे पॉइंटेड है, हम दिख रहा है आपको, और करंट जो है वो ए से बी बी तक जा रहा है, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो अगर हमने होल्ड कर रखा है करंट को और बता रहा हूं मैं कि थंब की साइड में करंट जा रहा है, थंब की साइड में जा रहा है, डायरेक्शन करंट के जाने का थंब की साइड में, तो जो हमारे बाकी के चार फिंगर जिधर को मुड़े हुए हैं, जिस डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं, उस डायरेक्शन में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने कंडक्टर को पकड़ा हुआ है और बता रहे हैं भाई थंब की साइड में करंट जा रहा हो, तो जो ये फिंगर इधर को मुड़ा हुआ है उधर की साइड में क्या कैरी होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैरी होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज में होता है। ये राइट हैंड थंब रूल है, और इसी का भाई मैक्सवेल का क्लॉक स्क्रू रूल भी वही है। अगर आप किसी स्क्रू को कसते हैं कहीं पे है ना, तो जिस डायरेक्शन में कसेंगे आप, डायरेक्शन घुमाएंगे ना कसने के लिए, उसको टाइट करने के लिए, तो जब घुमाएंगे तो वो चीज धीरे धीरे क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है नीचे की साइड में जा रही है, और जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो उसको, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है ना। तो बेटा यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं रूल भी, लॉ भी लिखे हुए हैं मैक्सवेल का, और उसका भी मैंने आपको दिखाया, इमेजिन ड्यूरिंग अ कॉर्पस्कुलर, अब आ जाते हैं आगे और बात करते हैं क्लॉक फेस रूल की, दिख रहा है आपको क्लॉक फेस रूल। अब क्या कह रहा है, इसमें दो रूल है, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल लाइक एट वन फेस ऑफ ए सर्कुलर वायर, अब बात हो रही है किसकी, सर्कुलर वायर की और क्वाइल, थ्रू विच अ करेंट इज पास, इफ द करेंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लोज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब मान लो जैसे वायरिंग देखा है ना, पंखे वंखे में वायरिंग की हुई होती है, तो वो जो लपेटी हुई होती है वो कैसे होती है, क्लॉक वाइज में। तो अगर करंट जो है वो क्लॉक वाइज में डायरेक्शन में जा रही है, देन
that face of circular wire will be south. ध्यान से समझो, हनुमान जी की पूछ देखी थी ना लपेट के, जब वो रावण के पास बैठ गए थे सिंहासन बना के, तो जिधर से आप देखो कि वो क्लॉकवाइज लपेटा हुआ नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज समझते हो, जैसे घड़ी को घड़ी घूमती है, घड़ी किस भी घूमती है, तो अगर उस साइड में दिख रहा है तो दूसरी दूसरे साइड से देखोगे ना तो वो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिधर क्लॉकवाइज में नजर आ रहा है वो साउथ पोल है, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज में नजर आ रहा है वो नॉर्थ पोल है। सर्कुलर की यही पहचान है, सर्कुलर में हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। अब बात करेंगे सोलेनोइड की। सोलेनोइड क्या होते हैं? सोलेनोइड होते हैं जब सॉफ्ट आयरन कोर पे हम वायर लपेट देते हैं। क्या लपेट देते हैं? वायर। कभी जब आप शरारते छोटी मोटी करते होंगे या किए होंगे, मैंने तो बहुत, वो ट्रांजिस्टर वगैरह अब तो मिलते नहीं है, तो भाई उस हमारे जमाने में तो वही एफएम वेफएम एसएम एएम ट्रांजिस्टर का बड़ा दौर था। दिल्ली में आने के बाद एफएम नजर आता था, गांव में तो एफएम का कोई जानता ही नहीं। तो कभी मजे मजे में खराब वराब हो गया, 100-150 रुपए में मिल जाते थे, तो थोड़ा पटक पुटक के उसका चीर फाड़ भी कर दिया करते थे। तो उसमें सोलेनोइड होता है, यानी सॉफ्ट आयरन कोर होता है और उसके ऊपर कॉपर की वायर जो है वो लपेटी। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वो वायर लपेटने पर जब उसमें करंट जाता है ना तो वो मैग्नेट बन जाता है। क्या? मैग्नेट। और मैग्नेट बनने से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे सैटेलाइट वगैरह से आ रही है उसको वो क्या करता है, कैच करता है। क्या करता है? लेकिन सिर्फ वही नहीं, जो वायरिंग आप देखते हो घर में, पंखा जो होता है कभी खुला हुआ देखा आपने बिजली वाले के पास, ये जो पंखा जब खुला खोलता है तो आप देखोगे ऐसे गोल एक आयरन कोर होती है, उसके ऊपर कॉपर की वायर या एल्यूमिनियम की वायर जैसे रेंज है वो लपेटा हुआ होता है, वो क्या है, सोलेनोइड। और सोलेनोइड की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने चीज है और याद रखेंगे आप इसको इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? द स्ट्रेंथ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड का उसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये सवाल है। तो कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेंगी, किस पे करेंगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, यानी उस आयरन के ऊपर, सॉफ्ट आयरन के ऊपर आपने कितना वायर लपेटा है। थोड़ा वायर अगर लपेटा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम क्रिएट होगा, खूब दबा के वायर लपेटा है तो मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, आपने कितना करंट दिया है उस सोलेनोइड को, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो भी क्या होगा धीरे धीरे। एंड द नेचर ऑफ कोर मटेरियल, और आपने जो कोर, कोर का मतलब है किसके ऊपर आपने लपेटा है, तो जो कोर मटेरियल का जो नेचर है वो भी एक मायने रखता है। और अगर आप वहां पे सॉफ्ट आयरन रोड यूज करते हैं तो सबसे बेहतर वाला, अच्छा वाला माना जाए। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं और बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। हालांकि मैंने पहले बता दिया आपको कि देखो ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, जैसे सोलेनोइड की बात हुई थी ना, अभी सोलेनोइड है, इसके ऊपर देखो वायर लपेटी हुई है, फिगर नंबर 17 की बात कर रहे हैं, और जैसे ही आप करंट ऑन कर देंगे वैसे ही ये क्या बन जाएगा,
जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मैग्नेट बन जाएगा, एक तरफ बन जाएगा नॉर्थ और दूसरी तरफ, ये मैंने आपको बताया नॉर्थ कहां बनेगा और साउथ कहां बनेगा, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब यहां से फिर जैसे सोलेनोइड की बात करी हमने, वैसे ही यहाँ पे एक फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना स्ट्रांग होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, फिर वही बात है कि कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना करंट आप पास कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, इनके पोल के बीच में कितना गैप है, तीन बात पे डिपेंड करता है। अब मैंने जैसा कहा था आपको आगे कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होते हैं, तो मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो तभी तक मैग्नेट है जब तक आप उसमें करंट दे रहे हैं, करंट खत्म मामला, बाकी आप बातें इसकी पढ़ेंगे। अब यहां से आगे और बढ़ते हैं, और ह्यूमन बीइंग की कोई जरूरत नहीं है आपको, इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं एक बार, जैसे लिखा हुआ है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे साफ साफ देखो ए और बी आपको दिखा रखा है ना, तो जैसे जैसे अब इसको एक बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। कहता है होल्ड द फोर फिंगर द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड रूल है ना, एट राइट एंगल टू वन अनदर, एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, मिडल फिंगर करंट बताएगा, तो फोर्स और मोशन जो है वो कौन बताएगा, हम बताएं। बस यही कुछ कहानियां हैं जिनको आपको याद करना है अच्छे से। बाकी इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह आपको पढ़ना है नहीं, सिलेबस बाबा से निकाल दिए गए हैं ये, तो इनकी ज्यादा चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा मैं ये देखना चाहूंगा कि कुछ सिलेबस में रहा तो नहीं, बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आप लोग, आपको मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, फील्ड लाइंस बताई, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर बताया, सॉलेनोइड बताया, फोर्स बता दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, एसी डीसी, ये भी तो पढ़ना है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब जहां तक एसी और डीसी की बात है, देखो एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट और डीसी होता है क्या, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। वैसे मैं आज इसकी बात नहीं करूंगा, एसी और डीसी मैं अगले क्लास में आपको समझाऊंगा, क्योंकि थोड़े से कंसेप्ट हैं इसमें जो आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, आज करेंगे आपसे जय हिंद, और फिर मिलेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे नमूने क्लासेज आपके पास, ठीक है। क्या